हेलो दोस्तों, केटीपी नर्सिंग एकेडमी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं शेर सिंह मेहरा आज आपके लिए लाया हूँ आरआरबी का स्पेशल पेपर जो पहले हुआ है। अपन आरआरबी के पेपर को कंप्लीट सॉल्व करेंगे। इसमें मैं आपको बताऊँगा मैथ और रीजनिंग के भी क्वेश्चन पूरे सॉल्व करूँगा। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ एनेंटियोमर्स। एनेंटियोमर्स का करेक्टरिस्टिक्स क्या है? ऑप्शन ए है ओनली दैट दे आर केमिकली आइडेंटिकल। ऑप्शन बी है ओनली दैट दे आर मिरर इमेज ऑफ ईच अदर। ऑप्शन सी है बोथ ए एंड बी, नेक्स्ट है नन ऑफ दीज। तो इसका करेक्ट आंसर होगा बोथ ए एंड बी। सेकेंड नंबर का क्वेश्चन है द गार्जियंस ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का गार्जियंस कौन है? ऑप्शन ए है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, ऑप्शन बी है हाई कोर्ट, ऑप्शन सी है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ऑप्शन डी है प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर होगा सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। क्वेश्चन नंबर थ्री है रिपीटेड यूरिनेशन वाइल स्लीपिंग इवन आफ्टर 5 ईयर ऑफ एज इज कॉल्ड। अगर 5 साल के बाद भी बच्चा अगर यूरिनेशन कर रहा है नाइट टाइम पे तो उसको क्या बोलेंगे? तो उसको उस कंडीशन को बोलेंगे। ऑप्शन ए है एन्यूरेसिस, ऑप्शन बी है टिक, ऑप्शन सी है स्यूरिंग और ऑप्शन डी है एनकोप्रेसिस। तो इसका राइट आंसर होगा एन्यूरेसिस। फोर्थ नंबर का क्वेश्चन है जो कि रीजनिंग का है। इसमें पूछा है अगर 253 को बुक्स आर ओल्ड लिखते हैं, 546 को मैंस इज ओल्ड और 378 का मीन्स बाई गुड बुक्स होता है तो आर का कोड क्या होगा? तो दोस्तों इस क्वेश्चन को अपन सॉल्व करते हैं। बहुत ही ईजी ट्रिक बताता हूँ जिसमें आपको इस प्रकार के जो भी क्वेश्चन आएंगे एग्जाम में और इस प्रकार के तो पूछे जाते हैं मैक्सिमम, तो मैं बताता हूँ। जैसे इसमें लिखा है 253, तो 253 को लिखा है बुक्स आर ओल्ड, 546 को लिखा है मैन इज ओल्ड, 378 को लिखा है बाई गुड बुक्स। तो दोस्तों इसको कैसे सॉल्व करेंगे? जैसे फर्स्ट है इसमें ओल्ड, तो ओल्ड को ओल्ड से काट देंगे, सिमिलर है तो इधर फाइव को फाइव से कट कर देंगे। फर्स्ट में बुक्स एंड बुक्स सिमिलर हैं तो इसमें थ्री और थ्री सिमिलर है। तो क्वेश्चन में पूछा क्या है उसने आर का मतलब क्या होगा? तो आर का सीधा सीधा सा मतलब अब निकल रहा है, इसमें बचा क्या है टू, तो अपना करेक्ट आंसर क्या होगा टू। तो टू इज द करेक्ट आंसर। इस प्रकार के अगर जो भी क्वेश्चन आते हैं उनको इसी प्रकार सॉल्व करेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए टू। फाइव नंबर का क्वेश्चन है एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज इम्पोर्टेंट इन द प्रोसेस ऑफ। ऑप्शन ए है ब्लड फ्लो, ऑप्शन बी है मिक्चुरेशन, सी है रिप्रोडक्शन और डी है ब्रीदिंग। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ब्रीदिंग। क्वेश्चन नंबर सिक्स है इन सर्टेन एकॉर्ड, ये रीजनिंग का क्वेश्चन है, भोपाल को लिखते हैं EERMDI, तो पाउडर को क्या लिखेंगे? तो दोस्तों इस क्वेश्चन के लिए आपको जो ABCD की जो अल्फ़ाबेट की नंबरिंग होती है वो याद होना बहुत ही ज़रूरी है। तो इसको अपन सॉल्व करते हैं। जैसे लिख दिया भोपाल BHOPAL, तो भोपाल को इसने क्या लिखा है EERMDI
आई। तो इसमें अपन देखेंगे अंतर देखने को मिलेगा अपने को, इसमें प्लस तीन बढ़ रहे हैं। इसमें माइनस तीन कम हो रहे हैं, इसमें प्लस तीन बढ़ रहे हैं, इसमें माइनस तीन कम हो रहे हैं, इसमें प्लस तीन बढ़ रहे हैं और माइनस तीन इसमें कम हो रहे हैं। तो मतलब तीन तीन का अंतर है, पहले प्लस तीन फिर माइनस तीन फिर प्लस तीन फिर माइनस तीन फिर प्लस तीन। तो अपन ऐसे ही सॉल्व करेंगे, तो पाउडर को क्या लिखेंगे, पी ओ डब्लू डी ई आर। तो पाउडर की नंबरिंग लिखते हैं अपन, पी को लिखते हैं 16, ओ को लिखते हैं 15, डब्लू को लिखते हैं 23, डी को लिखते हैं 4, ई को लिखते हैं 5, आर को लिखते हैं 18। तो अब इसमें से प्लस तीन माइनस तीन प्लस तीन माइनस तीन अपन करेंगे तो इसमें लिख देंगे 19, 12, 26, 18, नहीं यहाँ पे एक आएगा, 1, 8 और 15। तो अब इसका 19 नंबर पे कौन सा आता है, एस, 12 नंबर पे एल, 26 नंबर पे जेड, 1 नंबर पे ए, 8 नंबर पे एच और 15 नंबर पे ओ। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए। तो इस तरह के सवाल के लिए आपको नंबरिंग याद होना बहुत ही ज़रूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 7, द परमानेंट स्टॉपेज स्टॉपिंग ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल इन वुमेन इज कॉल्ड। ऑप्शन ए मेनोपॉज, बी है मेनार्की, सी है डिसमेनोरिया और डी है एमनोरिया। तो इसका करेक्ट आंसर होगा मेनोपॉज, ऑप्शन ए। 8 नंबर का क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन इज सोल्यूबल इन वाटर, यानी कि वाटर सोल्यूबल विटामिन इनमें से कौन सा है। ऑप्शन ए है विटामिन ए, ऑप्शन बी है विटामिन सी, ऑप्शन सी है विटामिन के, ऑप्शन डी है विटामिन डी। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, विटामिन सी इज ए वाटर सोल्यूबल विटामिन। क्वेश्चन नंबर 9 है, ये भी दोस्तों एक रीजनिंग का क्वेश्चन है, ए इज 40 मीटर साउथ वेस्ट ऑफ बी, सी इज 40 मीटर ऑफ साउथ ईस्ट ऑफ बी, देन सी इज द विच डायरेक्शन फ्रॉम ए। तो इसके लिए आपको जो डायरेक्शन है ना वो याद होना ज़रूरी है। तो इसके लिए मैं अभी आपको सॉल्व करके दिखाता हूँ। पहले अपन डायरेक्शन बनाएंगे, ये डायरेक्शन बनाते थे हैं, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ और साउथ। तो ये क्या हो गया, साउथ वेस्ट, साउथ ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट और नॉर्थ वेस्ट। तो इसने पूछा क्या है, ए इज 40 मीटर साउथ वेस्ट ऑफ बी, तो बी कहाँ पे है, यहाँ पे है। तो बी से एक 40 मीटर दूर है यहाँ पे, तो वो यहाँ खड़ा है। नेक्स्ट बोल रहा है सी इज द 40 मीटर साउथ वेस्ट ऑफ बी, जो सी है वो 40 मीटर दूर है साउथ वेस्ट में, तो साउथ वेस्ट ये रहा, यहाँ पे कौन है, यहाँ पे ए था, यहाँ पे बी है, बी तो वहाँ है, यहाँ सी है। तो इसने पूछा है सी इज इन विच डायरेक्शन ऑफ ए, जो सी है वो ए से किस डायरेक्शन में है, यानी कि ये पूछा है। तो ये डायरेक्शन कौन सी है, तो ये डायरेक्शन ईस्ट है,
तो इसका करेक्ट आंसर भी क्या होगा, ऑप्शन सी ईस्ट। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन बात करते हैं। द अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी वाज फाउंडेड बाय, जो अलीगढ़ यूनिवर्सिटी थी वो किसके द्वारा फाउंड की गई थी। ऑप्शन ए है डॉक्टर सैफुद्दीन किचू, ऑप्शन बी है सर सैयद अहमद खान, ऑप्शन सी है मोहम्मद अली जिन्ना, ऑप्शन डी है मौलाना मोहम्मद अली। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, सर सैयद अहमद खान। क्वेश्चन नंबर 11 है, ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट कॉमन साइट फॉर द मेटास्टेसिस इन लंग कैंसर। लंग कैंसर के लिए मोस्ट कॉमन साइट कौन सी है मेटास्टेसिस की। ऑप्शन ए है किडनी, ऑप्शन बी है स्टोमक, ऑप्शन सी है लीवर, ऑप्शन डी है स्प्लीन। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी। 12 नंबर का क्वेश्चन है उसकी बात करते हैं, ये भी मैथ का क्वेश्चन है। इसमें पूछा है एक्सप्रेस 45 मिनट एज ए फ्रैक्शन ऑफ ए डे। ये बोल रहा है कि अगर एक दिन को अपन एक्सप्रेस करते हैं 45 मिनट में तो उसका फ्रैक्शन क्या होगा। तो इसका फ्रैक्शन अपन निकालते हैं, इसने डे का पूछा है तो इसको अपन निकालेंगे इस तरह। तो एक दिन में कितने घंटे होते हैं 24, तो 24 इंटू मिनट कितने 60, और इसने कितने का पूछा है 45 मिनट का, तो 45। तो अपन इसको कट कर लेंगे, तो कट करेंगे तो इसका राइट आंसर आएगा कितना, ऑप्शन ए 1/32। तो इसको काट लेते हैं तो 15 × 3 = 45, 15 × 4 = 60, और 3 × 8 = 24, तो 8 × 32, और इधर बच गया 1। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं जो है क्वेश्चन नंबर 13। व्हेन आर द चांस ऑफ अक्यूट एंडोमेट्राइटिस डेवलपिंग इन ए वुमन। एंडोमेट्राइटिस डेवलपिंग होने के वुमन के अंदर चांस कब होते हैं, आफ्टर मीनोपोज, आफ्टर मीनार्की, आफ्टर अबोर्शन और चाइल्ड बर्थ इन चाइल्डहुड। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, आफ्टर अबोर्शन और चाइल्ड बर्थ के बाद वुमन के अंदर अक्यूट एंडोमेट्राइटिस डेवलपिंग होने के चांस रहते हैं। 14 नंबर का क्वेश्चन है, साइको एनालिटिक थ्योरी वाज डेवलप्ड बाय। ऑप्शन ए है सिगमोइड फ्रेड, ऑप्शन बी है जैकबसन, ऑप्शन सी है फ्रैंकलिन, ऑप्शन डी है एरिस्टोटल। तो इसका आंसर करेक्ट आएगा सिगमोइड फ्रेड, ऑप्शन ए। 15 नंबर का क्वेश्चन है, व्हाट शुड बी टेम्परेचर ऑफ वाटर यूज फॉर द कोल्ड स्पॉन्ज। कोल्ड स्पॉन्जिंग के लिए जो टेम्परेचर है वो कितना यूज होता है। ऑप्शन ए है 98 डिग्री फॉरेनहाइट, ऑप्शन बी है 105 डिग्री फॉरेनहाइट, ऑप्शन सी है 70 डिग्री फॉरेनहाइट, ऑप्शन डी है 0 डिग्री फॉरेनहाइट। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, 70 डिग्री फॉरेनहाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, ये मैथ का क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करते हैं अपन। ए ट्रेन रनिंग ए स्पीड 30 मीटर पर सेकेंड क्रॉसेस ए प्लेटफॉर्म 600 मीटर लॉन्ग इन 30 सेकेंड, द लेंथ ऑफ द ट्रेन। ये बोल रहा है कि एक ट्रेन है जो 30 मीटर प्रति सेकेंड के स्पीड से चल रही है और वह 600 मीटर जो लॉन्ग है प्लेटफॉर्म उसको 30 सेकेंड में कर देती है, तो ट्रेन की लंबाई क्या होगी। तो इसको अपन सॉल्व करते हैं, तो बहुत ही इजी सवाल है, इसको सॉल्व करते हैं। इसका राइट आंसर जैसे हम सॉल्व कर रहे हैं,
थर्टी इंटू थर्टी मतलब कि मीटर पर सेकंड को अपन सॉल्व कर रहे हैं तो इसका आएगा 900। तो 30 मीटर पर सेकंड के हिसाब से चलेगी तो 900 मीटर पहुंचेगी। और तो इसमें से प्लेटफॉर्म की लंबाई कितनी है, 600 मीटर। तो 900 माइनस 600 तो बराबर इसका करेक्ट आंसर होगा 300 मीटर। तो जो ट्रेन की लंबाई है वो होगी 600 मीटर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट फाउंड इन यूरिन। यूरिन के अंदर कौन सा नहीं पाया जाता। ऑप्शन ए है ओनली ग्लूकोज, ऑप्शन बी है ओनली प्रोटीन, ऑप्शन सी है ओनली रेड ब्लड सेल, ऑप्शन डी है ऑल ऑफ द अबव। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, क्योंकि यूरिन के अंदर ग्लूकोज, प्रोटीन और आरबीसी नहीं पाई जाती हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है, विच ऑफ दीज फ्रैक्शन इज द लार्जेस्ट। ये भी मैथ का क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करते हैं कि इसमें से जो सबसे बड़ा फ्रैक्शन कौन सा है। तो दोस्तों इसको बहुत ईजी सवाल है, इसको थोड़ी सी काउंटिंग करनी पड़ेगी। तो इसको अपन बहुत ही ईजी वे में सॉल्व करते हैं। तो इसने पूछा पहले अपन एक एक का निकालना पड़ेगा इसमें, जैसे कि 6/9 6/7 है तो इसको भाग देंगे तो आएगा 0.857। सेकंड है 5/6 5/6 को सॉल्व करते हैं तो आएगा 0.833। ऑप्शन सी है 7/8 ऑप्शन, इसको सॉल्व करते हैं तो आ रहा है 0.875। ऑप्शन डी है 4/8 तो इसको सॉल्व करते हैं तो आ रहा है 0.50। तो इसमें अब पूछ रहा है कि लार्जेस्ट, तो दोस्तों इसमें लार्जेस्ट कौन सी दिख रही है अपने को, जो इसकी लार्जेस्ट है वही इसका करेक्ट आंसर। तो इसमें लार्जेस्ट है ये वाली संख्या 0.875, तो इसका करेक्ट आंसर आएगा 7/8 ऑप्शन सी। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, हेलुसिनेशन इज कॉज्ड बाय। हेलुसिनेशन किसके द्वारा होता है, मतलब कि ऑप्शन ए है गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल डिसऑर्डर, ऑप्शन बी है मेंटल इलनेस, ऑप्शन सी है डिसऑर्डर ऑफ रिप्रोडक्टिव ऑफ ऑर्गन, ऑप्शन डी है इन्फेक्शियस डिजीज। तो इसका करेक्ट आंसर आएगा मेंटल इलनेस। क्वेश्चन नंबर 20 है, विच आर्टरी सप्लाई ऑक्सीजनेटेड ब्लड टू द स्टोमक। स्टोमक को ऑक्सीजनेटेड ब्लड कौन सी आर्टरी सप्लाई करती है। ऑप्शन ए है कैरोटिड आर्टरी, ऑप्शन बी है गैस्ट्रिक आर्टरी, ऑप्शन सी है सीलियक आर्टरी, ऑप्शन डी है सिफेलिक आर्टरी। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, सीलियक आर्टरी। 21 नंबर का क्वेश्चन है जो कि रीजनिंग का है, इसमें 5 वर्ड दिए गए हैं और इनमें से एक वर्ड है जो सिमिलर नहीं है, उसको अपने को पहचानना है। तो इसमें पहला है पेपर, वुड, वूल, प्लास्टिक और लेदर, इनमें से एक डिफरेंट कौन सा है। ऑप्शन ए है पेपर, ऑप्शन बी है वूल, ऑप्शन सी है वुड, ऑप्शन डी है प्लास्टिक। तो इसका राइट आंसर आएगा दोस्तों ऑप्शन डी, प्लास्टिक इज ए डिफरेंट। 22 नंबर का क्वेश्चन है, सेलेक्ट द लेटर सीरीज विच आर फॉलोइंग ऑफ रूल। नंबर ऑफ लेटर स्केप्ड इन रिवर्स ऑर्डर इन बिटवीन एडजेसेंट लेटर इन द सीरीज ऑफ कंसेंट। इसमें पूछ रहा है कि जो ये लेटर लिखे हुए हैं ये रिवर्स ऑर्डर में है, जो रिवर्स ऑर्डर में एडजस्ट हो रहे हैं उनमें से अपने को एक करेक्ट ऑप्शन निकालना है। तो इसमें से करेक्ट ऑप्शन आएगा ऑप्शन ए, क्योंकि जैसे अपन लिखते हैं एस पी
MJG। मैंने पहले बताया था आपको कि इनकी काउंटिंग जो है वो याद होना बहुत ज़रूरी है। तो जैसे अपन इसको लिखते हैं, जी का नंबर कितना है 7, जे का 10, एम का 13, पी का 16 और एस का 19। तो इसने पूछा है रिवर्स ऑर्डर में, तो रिवर्स ऑर्डर में यानी बैक साइड से अपन देखें तो सबसे पहले कितना है 7, फिर 10, फिर 13, फिर 16, फिर 19। तो इनमें तीन तीन नंबर का डिफरेंस आ रहा है और बाकी में कोई से में भी ऐसे एडजस्ट नहीं हो रहा। तो इसका करेक्ट आंसर आएगा ऑप्शन ए। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 23, इसमें भी यही पूछा है कि जो ये पांच ऑप्शन है इनमें से डिफरेंट कौन सा है। जैसे ऊपर पूछा था, अभी पांच ऑप्शन कौन कौन से हैं इनमें से, इंक पेपर पेंसिल पेन और शॉर्पनर में से डिफरेंट कौन सा है। ऑप्शन ए है इंक, ऑप्शन बी है पेपर, ऑप्शन सी है पेंसिल, ऑप्शन डी है शॉर्पनर। तो इसमें से करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी पेपर। 24 नंबर का क्वेश्चन है जो कि रीजनिंग का है और ये रिलेशन का, ये बहुत ही अच्छा टॉपिक है और इनमें से मतलब क्वेश्चन आता ही आता है। तो इसको अपन सॉल्व करते हैं, बहुत ही इजी क्वेश्चन पूछ रहा है। ए इज द ब्रदर ऑफ बी, जो ए है ये ब्रदर है किसका, बी का। बी इज द सन ऑफ सी, बी सन है सी का। डी इज द सी फादर, मतलब सी का फादर है वो कौन है, डी। देन व्हाट इज द ए ऑफ डी, मतलब कि जो ए है वो डी का क्या लगेगा, ये पूछ रहा है कि ये। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ये इसके दादाजी हो गए, तो दादाजी का ए क्या लगेगा, इसका करेक्ट आंसर आएगा ग्रैंड सन, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन बात करते हैं। 25 नंबर, विच न्यूट्रिएंट इज नॉट फाउंड इन एग, एग के अंदर कौन सा न्यूट्रिएंट नहीं पाया जाता है। ऑप्शन ए कार्बोहाइड्रेट एंड विटामिन सी, ऑप्शन बी है प्रोटीन एंड कैल्शियम, ऑप्शन सी है फैट एंड विटामिन डी, ऑप्शन डी है प्रोटीन एंड आयरन। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, एग के अंदर कार्बोहाइड्रेट और विटामिन सी नहीं पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट सिम्टम ऑफ डिप्रेशन, इनमें से डिप्रेशन का सिम्टम कौन सा नहीं है। ऑप्शन ए है लॉस ऑफ इंटरेस्ट इन डेली एक्टिविटी, बी है डिल्यूजन ऑफ गिल्ट, सी है सुसाइडल आइडियाज, डी है डिल्यूजन ऑफ ग्रैंडियोसिटी। तो इसका करेक्ट आंसर आएगा ऑप्शन डी, डिल्यूजन ऑफ ग्रैंडियोसिटी, ये डिप्रेशन का सिम्टम नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। द गोल ऑफ मैनेजमेंट ऑफ ग्लूकोमा इज, ग्लूकोमा का गोल ऑफ मैनेजमेंट क्या है। ऑप्शन ए है ओनली टू इंक्रीज द इनफ्लो ऑफ एक्वासोमर, ऑप्शन बी है ओनली टू इंक्रीज द आउटफ्लो ऑफ एक्वासोमर, ऑप्शन सी है ओनली टू इंक्रीज द प्रोडक्शन ऑफ एक्वासोमर, ऑप्शन डी है ऑल ऑफ दीज। तो इसका करेक्ट आंसर आएगा ऑप्शन बी, ओनली टू इंक्रीज द आउटफ्लो ऑफ एक्वासोमर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इज द बेस्ट टेस्ट फॉर डिटेक्टिंग लीवर डिसफंक्शन, लीवर डिसफंक्शन का बेस्ट टेस्ट कौन सा है, डिसफंक्शन चेक करनी है। तो इसके ऑप्शन है सीरम एल्बुमिन, ऑप्शन बी है सीरम बिलुरुबिन, ऑप्शन सी है SGPT, ऑप्शन डी है प्रोथ्रोम्बिन टाइम। तो इसका करेक्ट आंसर आएगा ऑप्शन बी, सीरम बिलुरुबिन। 29 नंबर क्वेश्चन की अपन बात करते हैं। फाइंड द नेक्स्ट टर्म ऑफ द सीरीज, तो दोस्तों फिर रीजनिंग का क्वेश्चन आ गया, इसको सॉल्व करते हैं, बहुत ही इजी सवाल है। तो इसने लिख रखा है, जैसे देखें काउंटिंग इसने लिख रखी है, ए फिर बी सी
फिर डी, फिर ई, एफ, फिर जी, फिर एच, इनके बीच में नंबरिंग भी दे रखी है, तो जी एच के बाद करेक्ट आंसर क्या आएगा? आई जे। तो इसमें पहले अपन देखते हैं कि आई जे कहाँ है, तो आई जे किस में देखने को मिल रहा है? ऑप्शन डी में, आई और जे। और इनके बीच की नंबरिंग देखें तो इनमें पहले क्या है, 3, 7, 11 और 15, इनमें चार चार का डिफरेंस है, तो 15 और 4, 19, और आई और जे। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन बात करते हैं, जो है क्वेश्चन नंबर 30। इसमें फिर आपको नंबरिंग याद करनी होगी। क्वेश्चन है, नंबर ऑफ लेटर स्किप्ड इन बिटवीन एडजेसेंट लेटर इन द सीरीज डबल एवरी टाइम। जो नंबरिंग है वो लेटर की, वो स्किप्ड हो रही है, बिटवीन लेटर ऑफ सीरीज ऑफ डबल एवरी टाइम। स्किप्ड भी कैसे हो रही है, जैसे ही स्किप्ड होगी स्किप्ड का डबल हो जाएगा। तो इसमें से अपन ऑप्शन चूज करेंगे, वो क्या है? ऑप्शन नंबर, इसका करेक्ट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर बी। बी क्यों आएगा वो मैं अभी आपको बताता हूँ। बी, डी, जी, एल, यू, इनकी नंबरिंग अपन देखते हैं, तो इनकी नंबरिंग आती है 2, 4, 7, 12 और 21। तो इसने किस हिसाब से इसको सॉल्व किया है वो बता रहा हूँ मैं। जैसे 2 का डबल होता है 4, 4 का डबल हो रहा है 8, 7 का डबल हो रहा है 14, 12 का डबल हो रहा है 24। तो जैसे 4 है, 4 का डबल हुआ 8, 8 में से -1 गया तो 7, फिर है 14, 14 में से फिर इसका डबल होके -2 गए तो बचे कितने, 12, फिर 12 का डबल है 24, 24 में से -3 गए तो बचे कितने, 21। मतलब कि -1 घटा, फिर -2 घटे, फिर -3 किए, तो इसका करेक्ट आंसर इसलिए कौन सा आएगा? ऑप्शन बी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, जो क्वेश्चन नंबर है 31। 8 अप्रैल 1930 इज वेल नोन इज हिस्ट्री ऑफ इंडिया बिकॉज ऑफ दिस डेट इज एसोसिएटेड विद। ऑप्शन ए है डांडी मार्च बाई महात्मा गांधी, ऑप्शन बी है क्वाइट इंडिया मूवमेंट, ऑप्शन सी है पार्टीशन ऑफ बंगाल, ऑप्शन डी है पार्टीशन ऑफ इंडिया। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, डांडी मार्च बाई महात्मा गांधी। क्वेश्चन नंबर 32 है, सेलेक्ट द पेयर विच द सेम रिलेशनशिप एज द पेयर ऑफ बर्ड्स विंग्स। जैसे कि इसमें पेयर चूज करना है, जैसे जो पक्षी होता है उसके पंख हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है, उनके बिना वो उड़ नहीं सकता। इस हिसाब से मतलब डिपेंडेंट चीज़ अपने को इसमें से देखती है, मतलब वेल वाटर नहीं, वेल का तो कोई वाटर से है ही नहीं समझ। ऑप्शन डी है डॉग लंग्स, कुत्ते के लंग्स, ये भी अलग है। ऑप्शन डी है पर्ट पेपर, ये भी नहीं है। तो ऑप्शन सी, ऑप्शन सी है जो इसका करेक्ट आंसर होगा। क्यों? क्योंकि जो कार है वो पहिए के बिना नहीं चल सकती। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आउट ऑफ द केमिकल फोर्सेज और बॉन्ड लिस्टेड बिलो द स्ट्रॉन्गेस्ट वन। इनमें से केमिकल फोर्सेज जो होते हैं इनमें से स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड कौन सा है? ऑप्शन ए है वॉन्डरवॉल्स, ऑप्शन बी है डाइपोल्स, ऑप्शन सी है कोवेलेंट, ऑप्शन डी है हाइड्रोफोबिक। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, कोवेलेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, जो है 34। विच वाल प्रिवेंट बैकवर्ड फ्लो ऑफ ब्लड इन टू द लेफ्ट एट्रियम।
मतलब कि कौन सा वाल है जो कि बैक प्रिवेंट करता है बैकवर्ड फ्लो ऑफ ब्लड इन लेफ्ट एट्रियम से। तो इसका ऑप्शन ए है ओर्टिक वाल, ऑप्शन बी है पल्मोनरी वाल, ऑप्शन सी है ट्राइकस्पिड वाल, ऑप्शन डी है मिट्रल वाल। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, मिट्रल वाल। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, द मेम्ब्रेन सराउंडेड द लंग्स, लंग्स के सराउंडेड कौन सी मेम्ब्रेन होती है? ऑप्शन ए है पेरिकार्डियल, ऑप्शन बी मेडिया स्टाइनल, ऑप्शन सी है प्लूरल, ऑप्शन डी है पेरिटोनियल। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन बात करते हैं, वो है ये भी एक रीजनिंग का क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसको देखते हैं अपन सॉल्व करके। इसमें देखो पूछ क्या रहा है ये, व्हेन टू नंबर आर सेपरेटली डिवाइडेड बाय 32 33 द रिमाइंडर आर 21 एंड 28 रेस्पेक्टिवली। इफ द सम ऑफ द टू नंबर इज डिवाइडेड बाई 33 द रिमाइंडर विल बी। ये पूछ रहा है कि 33 जो है इसका रिमाइंडर किया है इसने 21 और 28, मतलब कि 21 और 28 में कितना जोड़ें कि उनका योग है जो 33 आ जाए। तो 21 में अगर अपुन 12 जोड़ते हैं, कितने 12, तो इसका आंसर आता है 33। कितना आता है 33। अगर 28 के अंदर 5 जोड़े हैं तो इसका आंसर आ रहा है 33। तो इसने पूछा यही है कि 30 इनमें से कौन सा ऑप्शन है। तो अगर अपन 12 जोड़ते हैं तो 33 आएगा, और 5 जोड़ते हैं तो भी 33 आएगा। तो 5 जो है वो अपने ऑप्शन में नहीं है, तो 12 अपने ऑप्शन में है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, अगर 21 के अंदर 12 जोड़ेंगे तो 33 आएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, विच कॉम्प्लिकेशन ऑफ IV इन्फ्यूजन कैन कॉज पल्मोनरी एडिमा और हार्ट फेलियर। ऑप्शन ए है इनफिल्ट्रेशन, ऑप्शन बी है सर्कुलेटरी ओवरलोड, ऑप्शन सी है इन्फेक्शन, ऑप्शन डी है पायरोजेनिक रिएक्शन। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, सर्कुलेटरी ओवरलोड जो है ये कॉज करता है पल्मोनरी एडिमा और हार्ट फेलियर का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन 38। अब नॉर्मल कम्युनिकेशन बिटवीन द यूरिनरी एंड जेनाइटल ट्रैक्ट इज कॉल्ड जेनाइटो यूरिनरी। ऑप्शन ए है फिस्टूला, ऑप्शन बी है ट्यूमर, ऑप्शन सी है अट्रेसिया, ऑप्शन डी है प्रोलैप्स। और इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, फिस्टूला। जो एबनॉर्मल कम्युनिकेशन बनता है यूरिनरी एंड जेनाइटल ट्रैक्ट के अंदर, उसको फिस्टूला कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, व्हाट इज द मेन रीजन ऑफ एंजाइना पेक्टोरिस। एंजाइना पेक्टोरिस का मेन रीजन कौन सा है? न्यूरोलॉजिकल डिजीज, गैस्ट्रिक डिजीज, रेस्पिरेटरी डिजीज या कार्डियक डिजीज। इसका राइट आंसर आएगा ऑप्शन डी इज कार्डियक डिजीज। 40 नंबर का क्वेश्चन है, विच डिविजन ऑफ द नर्वस सिस्टम इनिशिएट ए रेस्पॉन्स नोन एज फाइट एंड फ्लाइट। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इसका ऑप्शन है द पैरासिंपेथेटिक नर्वस सिस्टम, ऑप्शन बी है द सिंपेथेटिक नर्वस सिस्टम, ऑप्शन सी है सोमेटिक नर्वस सिस्टम, ऑप्शन डी है नन ऑफ दीज। तो इसका करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन बी, सिंपेथेटिक नर्वस सिस्टम। जो सिंपेथेटिक नर्वस सिस्टम है वही इनिशिएट करता है फाइट एंड फ्लाइट की कंडीशन। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखते हैं, द कॉमनेस्ट कॉज ऑफ मैटरनल मॉर्बिडिटी इन इंडिया। मोस्ट कॉमन कॉज क्या है मैटरनल मॉर्बिडिटी का इंडिया के अंदर? ऑप्शन ए है एनीमिया, ऑप्शन बी है हेमरेज, ऑप्शन सी है अबॉर्शन, ऑप्शन डी है सेप्सिस। तो इसका करेक्ट आंसर आएगा ऑप्शन
बी हेमरेज। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना 42, जो कि एक मैथ का क्वेश्चन है, बहुत ही इजी है, इसको अपन निकाल के देखते हैं। अगर 11 के अंदर 5 जोड़ते हैं तो 16, फिर 7 जोड़ते हैं तो 23, फिर 9 जोड़ते हैं तो 32, और 43 अगर जोड़ रहे हैं तो 11 जोड़ रहे हैं तो 43, अब इसमें क्या जोड़ें कि इनमें से कोई सा ऑप्शन आए, तो इनमें डिफरेंस कितना हो रहा है। पहले +5 जोड़ा, फिर +7 जोड़ा, फिर +9 जोड़ा, फिर 11, फिर 13। तो अगर अपने कितने 43 के अंदर 13 ऐड करते हैं तो अपना आंसर आता है 56, और इसमें करेक्ट आंसर अपना क्या है, ऑप्शन ए 56। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। फाइंड द नंबर इन द सीरीज, ये भी इसी टाइप का क्वेश्चन है। अब इसमें अपन देखते हैं 885 में -15 किया तो 870 आए, 870 में -15 किया तो 855 आए, 855 में से -15 किया तो 840 आए। अगर 840 में से -15 करते हैं तो 825 आता है, और अपना करेक्ट आंसर भी 825 ऑप्शन में है, ऑप्शन सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखते हैं 44, वर्ल्ड्स फर्स्ट टाइगर वाइट टाइगर सफारी इज सेट टू कम अप इन विच स्टेट ऑफ इंडिया। ऑप्शन ए है वेस्ट बंगाल, ऑप्शन बी है केरला, ऑप्शन सी है मध्य प्रदेश, ऑप्शन डी है गुजरात। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी मध्य प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आउट ऑफ द फॉलोइंग विच मेडिसिन आर यूज फॉर द इंटेस्टाइनल इवैक्यूलेशन। इवैक्यूलेशन मोस्ट कॉमन जो है मेडिसिन कौन सी यूज की जाती है। ऑप्शन ए है कैथरेटिक्स, ऑप्शन बी है कार्मेनेटिव्स, ऑप्शन सी है एस्टिंगजेंट, ऑप्शन डी है एंटी माइकोटिक्स। तो इसका करेक्ट आंसर होगा वो है ऑप्शन ए कैथरेटिक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द अबोलिशन ऑफ सती बाई गवर्नमेंट रेगुलेशन वाज एट द टाइम ऑफ, किस टाइम अबोलिशन हुई थी सती की, किसके टाइम, उस टाइम कौन था। तो ऑप्शन ए है वॉरेन हेस्टिंग्स, ऑप्शन बी है लॉर्ड वेल्सली, ऑप्शन सी है लॉर्ड एमरेस्ट, ऑप्शन डी है लॉर्ड बेनेडिक्ट। तो इसका करेक्ट आंसर है जो है ऑप्शन सी लॉर्ड एमरेस्ट। क्वेश्चन नंबर 47 है, द डिस्ट्रैक्शन ऑफ एल्वियोलर वाल इज, एल्वियोलर वाल के डिस्ट्रैक्शन को क्या बोलेंगे, एम्फाइमा, ब्रोंकाइटिस, एम्फाइसीमा, लंग एब्सिस। तो इसका करेक्ट आंसर होगा एम्फाइसीमा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 48 नंबर क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन लो बर्थ वेट मीन्स ए वेट ऑफ लेस देन। ऑप्शन ए 2.8 केजी, ऑप्शन बी है 2.7 केजी, ऑप्शन सी है 2.5 केजी, ऑप्शन डी है 2.3 केजी। लो बर्थ वेट जो WHO के अकॉर्डिंग है वो कितना है, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी 2.5 केजी। नेक्स्ट क्वेश्चन एंड आज का लास्ट क्वेश्चन, और बाकी के क्वेश्चन अपन सेकंड जो वीडियो है उसमें सोल्व करेंगे, उसमें मैथ रीजनिंग के काफ़ी सवाल है जो कि बहुत ही इजी ट्रिक से मैं आपको वो सारे क्वेश्चन सोल्व करवाऊंगा, आप भी देखोगे वास्तव में क्या बात है। ठीक है दोस्तों, तो ये लास्ट क्वेश्चन अपना क्या है, एन एजेंट विच किल्स पैथोजेनिक बैक्टीरिया इज कॉल्ड। ऑप्शन ए है असेप्सिस, ऑप्शन बी है डिसइंफेक्टेंट, ऑप्शन सी है फॉमिट्स, ऑप्शन डी है बैक्टीरियो स्टेटिक्स।
तो इसका करेक्ट आंसर आएगा ऑप्शन बी, डिसइंफेक्टेंट। तो थैंक यू दोस्तों, आज का वीडियो अपना इतना ही था। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाइए, और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि RRB का पेपर जो होने वाला है उसके लिए बहुत ही बेनिफिट है। और नेक्स्ट वीडियो में अपन देखेंगे जो बाकी के जितने भी क्वेश्चन बचे हुए हैं उसको सॉल्व करेंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।